शायद अगर एमएसपी का कानून बन जाता शुरू में उसमें, तो ये प्रभावी जो कानून है ये प्रभावी नहीं होता। भाई किसान यही तो कह रहा था कि भाई हमें कोई एक ऐसी बात तो बता दे जिससे ये पता लग जाए किसान की फसल किस रेट में बिकेगी, यही तो कारण मांग रहा था। अगर ये एमएसपी लागू होते तो कहीं ना कहीं जो कानून है ये अपने आप ही निष्क्रिय। एमएसपी प्रभावी कैसे होगी उसके लिए कमेटी बनी है, सरकार ने ये मानकर लिखा है कि हम कम इसको एमएसपी को सब फसलों में लागू कैसे हो उसके लिए एक कमेटी बने जिसमें अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट जो है कृषि अर्थशास्त्री सब लोग रहे। ये सारी बातें जो आपने कही ये पॉलिटिकल पार्टी खासतौर से बीजेपी के नेता बोलते थे है ना कि उसमें साइंटिस्ट होंगे सब कुछ होंगे, लेकिन आप कहते थे कि हमें पहले कानून बना दो फिर बाद में जो करना है करिएगा। देखो ये फैसला है, समझौता है, समझौते में जो हो जाए तो वो ठीक होता है। आपका फ्रंट बहुत मजबूत था एमएसपी के लिए, इस बॉर्डर से एमएसपी को लेके बहुत आवाज उठती थी, तो समझौता हुआ है, समझौता करना पड़ा। भाई कहीं मोल थोड़ा लाने किसान, इन्होंने कहा है कि हम इसको प्रभावी करना चाहते हैं, इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट है, तो उस बात के लिए कमेटी बनी है। कहीं किसान कोई खरीद के लाना किसी को फिर जोड़ के आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। स्थगित ही हुआ है आंदोलन, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये एमएसपी की नहीं है, एमएसपी से भी अलावा बहुत मांगा भी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे कि हमें एक गारंटी मिल जाए। किसान मांगेगा लाभकारी, किसान मांगेगा मूल्य सूचकांक से जुड़ के हमें रेट कैसे मिलेंगे, हमारे जीन्स कैसे बिकेगी, हमारी फसल कैसे बिकेगी। मूल्य सूचकांक का मतलब है कि जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़े किसान के रेट भी उसी अनुपात में बढ़े जब किसानों को लाभ। भारत में कमेटियों का हशर अच्छा नहीं रहा है, अभी पिछली कमेटी देख लीजिए 10 साल से बनी पड़ी हुई है। जो मिल जा उसे रखो और बाकी पर तगादा कर दो, तगादा कर दो। लेकिन सर जितनी खुशी से हरियाणा पंजाब का किसान जा रहा है यूपी वाले से नहीं, देखो खुश सब है, संतुष्ट नहीं है। ये है बात, जब सरकारें किसानों की तरफ से मुंह मोड़ लेती है, सरकार को ये करना चाहिए था कि उनके साथ में बैठकर बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट भी हो गया, आज नाखुश होकर जा रहा है। भाई गुड़ किसान को वोट बैंक ना समझे, इन्होंने वोट बैंक समझा, सभी पार्टियों ने समझा, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सभी ने समझा। कहीं ना कहीं अब किसान समझेगा कि भाई ये जाति धर्म मजहब इन सब चीजों को करके, और ठीक लोग जो किसी भी पार्टी से हों ठीक लोग जो है चुन के आपको संसद में और विधानसभा। सर जो 15 तारीख को समीक्षा होगी और ये जो जनमास था जो मास था इसका दबाव रहेगा उस समीक्षा, ऐसा है संयुक्त मोर्चा ये बना रहे, हम तो इस वर्ष सभी देश भर का किसान ये निवेदन करता है कि संयुक्त मोर्चा बना रहे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने एक ऐसी लड़ाई जीती है जिसमें किसान का सम्मान उसका स्वाभिमान बना है, तो ये बना रहेगा तो सारी चीजें ठीक रहेंगी आगे तक ठीक रहेंगी। लेकिन सर सब कुछ तो हुआ लेकिन लखीमपुर को आप लोग भूल गए। नहीं नहीं लखीमपुर कैसे भूल लेंगे, आज कल जो है SIT ने भी ये कहा कि भाई जो वहाँ कांड हुआ है वो पूरा पूर्वनियोजित था, भाई हत्या उनकी की गई है, साजिश थी, तो न्यायपालिका अपना काम करे और टैनी की बर्खास्त की और वो जेल में जाए, ये भी मामला उठता रहेगा। आंदोलन स्थगित तो हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आप लगातार अब रहेंगे यूपी में, इसकी मांग करते रहेंगे लगातार। नहीं मांग क्यों करेंगे भाई, आंदोलन होगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसान को गाड़ियों से कुचला है वो भूल रहे। सर आपने कहा इसके हम बना रहे हम उम्मीद करेंगे, क्या लगता है टूटे? नहीं नहीं चड्डू ने जी ने ऐसा एक समंजस से बैठा है कि एक दूसरे के एक मतलब एक ही माला में मोती है, कोई अलग थलग जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, तो एक ही माला में सब लोग रहेंगे। भाई किसान तो यही आशा कर रहा है भाई, भाई किसी को कोई लालच होगा कोई वो होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चडोनी जी ने कहा लखीमपुर वाले मामले पर कि इसे तो यूपी वाले ही समझेंगे, इसे देखेंगे नहीं करेंगे, सब लोग साथ में बैठ कर। गौरव जी जो बाहर से देखने वाले इस आंदोलन को लोग हैं जो भारतीय हैं जो विदेशों में हैं वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के पीछे जितना बड़ा जन समर्थन था उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा नहीं, और ये पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं था। एक ये तो था कि भाई भाई सब लोग कैसे एक बना के रखे, एक नेतृत्व कैसे देंगे, इसका नेता किसान, और किसान ने इस आंदोलन में सब चीज़ भूल ली है, ना किसी के साथ मगर कोई वो भी होगी आपस में कोई दरार भी होगी, सब चीज़ को भूल के किसान ने ये किया कि भाई अब मंच हमें मिला है और इस मंच को एकजुट रहना है।
आप पंचायतों को मानते हैं इसलिए मजबूरन आप ये वक्तव्य दे रहे हैं? नहीं, मजबूरी नहीं। हमारा भारतीय किसान यूनियन 35 साल से अराजनीतिक संगठन है और वो निरंतर चलता रहेगा और संयुक्त मोर्चा का एक अंग भारतीय किसान यूनियन। सर आप चाहते थोड़ा ही थे कि इस मोड़ पे आंदोलन खत्म हो? भाई जो मिल गया बताया तो जो मिल गया उसको हाथ में उसमें रखो और बाकी पता करते रखे हैं, कहीं हम चले थोड़ा गए भाई। एक साल आजाद भारत में आंदोलन होते होंगे भाई, कल्पना भी नहीं। अच्छा, बीजेपी की पार्टी की तरफ से किस तरीके से रहेंगे आप? बीजेपी की तो अब तो पहले सरकार नहीं है। हाँ, और भाई किसान होशियार है, वो अपने आप देख लेगा क्या करते। नहीं, किसानों ने विरोध कर दिया था ना बीजेपी के नेताओं का, यूपी मिशन जो चलाने की बात करते थे भाई। जब चुनाव आएंगे जब देखेंगे, पहले इसका किसान का सम्मान के साथ ये एक किसान घर पहुंच जाए ये बड़ी बात है। और किसान जो है कल बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपने जो है घरों पे किसान। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? सब जाएंगे आराम से जो है हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे सुबह, क्योंकि मोड़ भी है यहाँ भाई, कोई एक्सीडेंट ना हो आगे वैसा हो, सब चीज सब ठीक ठाक रहे। और एक याद, एक जो है आत्मीय रिश्ता जो यहाँ इस बॉर्डर से जुड़ा है उसको लेकर जो है सब कल पूरी तरह यहाँ से एक बिल्कुल बिल्कुल कल पूरी तरीके। तो उम्मीद है कि ये क्योंकि टेंट और ये बहुत लंबाई तक लगे हुए थे, वे धीरे धीरे हट जाएंगे, कल पूरी तरह खाली बॉर्डर। और भाई धन्यवाद फिर पुनः आप सब लोगों का, इसी तरीके से निष्पक्ष दिखाते रहो। हम ये नहीं कहते कि आप जो है भाई किसान किसान का दिखाओ, जो भी दिखाओ वो निष्पक्ष दिखाओ, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो कहीं ना कहीं जो मीडिया जिसको चौथा स्तंभ बोला जा, आप लोगों पर से विश्वास देश के किसान का तो खास तौर पर हट गया था। आप लोगों का फिर पुनः धन्यवाद है आप सब। पहले तो आपका धन्यवाद है, फिर से कई बात है कि भाई आप कभी मिलोगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ मिलोगे, तो धन्यवाद है पहले तो आप सब लोगों का भाई।